बिना चीनी, बिना क्रीम, बिना दूध, बिना कंडेंस मिल्क आज हम बनाएंगे हेल्दी और टेस्टी मैंगो आइसक्रीम। इसमें हमने कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं डाला है जो कि हेल्थ के लिए हार्मफुल हो। बहुत ही क्रीमी और टेस्टी हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए एकदम परफेक्ट आइसक्रीम है। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे करीब 15 काजू को 15 से 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। ऐसा करने से ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे से ग्राइंड होते हैं। अब इन भिगे हुए काजू को हम एक मिक्सर जार में डालेंगे और एकदम फाइन पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर पहले से ही बड़ा वाला मिक्सर जार लें ताकि हमारा सारा काम एक ही मिक्सर में हो जाए। और हमने इसे यहाँ पर इस तरह से एकदम स्मूथ पीस लिया है। तो इस तरह से पीस लेने के बाद में हम यहाँ पर इसे साइड में रखें। इसके बाद में मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के केले को एक दिन पहले ही इस तरह से स्लाइस कट करने के बाद में जिप्लॉक बैग में फ्रीज़र में रख दिया था, जहाँ पे हम बर्फ़ जमाते हैं वहीं पे इसे इस तरह से एक दिन के लिए हमें रख देना है। ये काफ़ी अच्छे से इस तरह से सेट हो गए हैं। उसके बाद में हम इसे निकाल देंगे। तो जब आपको आइसक्रीम बनानी तभी तुरंत आप इन्हें निकालें और इन्हें हम यहाँ पर रफली चॉप कर लेंगे। हम यहाँ पर इन्हें इसलिए चॉप कर रहे हैं ताकि जो हमारे मिक्सर के जार के ब्लेड हैं वह ख़राब ना हो और उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसे रफली चॉप कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है गिल्ट फ्री फ्रोज़न डेजर्ट्स बनाने का। यदि आपको इस तरह के और डेजर्ट्स चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस सिटी से आप इसे देख रहे हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस समय वहां पे कौन सा वाला फ्रेश फ्रूट आपको मिल रहा है, हम उसकी भी रेसिपी आपके लिए ज़रूर लाएंगे। अब इन चॉप किए हुए फ्रोज़न बनानास को हम यहाँ पर इस मिक्सर जार में डाल देंगे जिसमें कि हमने काजू का पेस्ट पीसा था। इस तरह से डालने के बाद में मैं यहाँ पे ये मैंगो भी डालूंगी। तो मेरे लास्ट ईयर के बचे हुए अल्फेंसो हापुस आम है जिन्हें मैंने इस तरह से फ्रीज़र में रख दिया था। यदि आपके पास में ये पहले के नहीं है तो आप इन्हें भी एक दिन पहले ही केले के साथ ही इस तरह से चॉप करके फ्रीज़र में रख दें और उसके बाद में इस तरह से निकाल लें। और इसे भी हम यहाँ पर केले के साथ ही इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फ्रोज़न है दोनों चीज़ें ही। उसके बाद हम इसे यहाँ पर ऑन ऑफ करते हुए अच्छे से स्मूथ पीस लेंगे। तो ध्यान रखें कंटिन्यूस ना चलाएं क्योंकि इससे हमारी जो मिक्सर की ब्लेड्स हैं जार की वह डैमेज हो सकती हैं। तो इस तरह से मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है और आप देखिए हमारा जार भी एकदम चिल्ड है और जो मिक्सर है हमारा एकदम स्मूथ बन रहा है। बहुत ही बढ़िया ये हमारा टेक्सचर बनकर आया है। अभी से ही हो रहा है ना देखते ही खाने का मन। और यदि आप यहाँ पे अल्फेंसो मैंगोज यूज़ नहीं कर रहे हैं, दूसरा आम यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून हनी डाल सकते हैं। वैसे मुझे इसमें बिल्कुल भी हनी डालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हापुस बहुत ही मीठे आम हैं। तो यदि आप दूसरा आम यूज़ कर रहे हैं तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हनी डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी हमारा ये आइसक्रीम का मिक्सर तैयार हो चुका है। इसे किसी भी कंटेनर में आप यहाँ पर पोर करके इसे सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे इस तरह का ब्रेड लोफ टिन लिया है और इसे मैं यहाँ पे इस तरह से पोर करने के बाद में अच्छे से फ्लैटन कर दूंगी और उसके बाद में हम यहाँ पे इसे सेट करने रखेंगे। आप कोई भी ढक्कन वाला लिड वाला यहाँ पे ये कंटेनर ले सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है इसे अच्छे से सिक्योरली सील करना है ताकि इस पे ऊपर कोई भी आइस क्रिस्टल्स ना आए। तो मैं यहाँ पे क्लिंग फिल्म का यूज़ करके इसे अच्छे से पैक कर दूंगी। आप कोई भी यहाँ पे लिड लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे आप सिल्वर फॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पे अच्छे से इसे सिक्योर कर लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स में हमने आसानी से ये गिल्ट फ्री आइसक्रीम बना ली है। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग टेस्ट आएगा इसका, बिलीव मी। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें यदि आप इस तरह के हेल्दी खाना खाने के शौकीन हैं। तो आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, खाने के बाद कोई गिल्ट भी नहीं रहेगा। अब मैंने इसे 7 से 8 घंटे के सेट होने के बाद में इसे फ्रीज़र से निकाल दिया है। फ्रीज़र से निकालने के 5 से 6 मिनट के बाद में आप इसे इस तरह से स्कूप आउट करेंगे तो आपकी आइसक्रीम एकदम परफेक्टली स्कूप आउट होती है। कितनी स्मूथ और सिल्की हमारी आइसक्रीम बनकर आई है, बहुत ही मज़े की लग रही है। तो इस बार इस गर्मियों में इस तरह के गिल्ट फ्री आइसक्रीम्स और फ्रोज़न डेजर्ट्स का भी एंजॉय करें और इसी तरह की और रेसिपीज़ के लिए हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें। तैयार है हमारी रिच टेस्टी गिल्ट फ्री मैंगो आइसक्रीम जिसे आप कभी भी किसी भी तरह से फॉर्म में खा सकते हैं। बनाएँ, खाएँ, मज़े करें और अपने एक्सपीरियंस के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।